फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम वंश कर्मा एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। तो कुछ कुछ फंगस सा लग जाता है यहाँ। एक ब्लेंडर हो गया, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया है। मैं रेडी हो गई और मैंने ट्रेस पहनी है। वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम वंश कर्मा एंड यू आर वॉचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। तो आज का व्लॉग कहीं नई जगह पे है। अभी तक आपने स्टोरी या रील्स में या शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि मैं आ गई हूँ गोवा वापस इतने महीनों बाद। और इतने महीनों बाद आने का सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है कि घर की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। सब कुछ दोबारा से सब कुछ सेट करना होता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बंद घर में एक तो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जाले लग गए हैं, मतलब इतना मेस्ड अप हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करी जाए। इवन अभी तक किचन भी रनिंग में नहीं है। कल रात हम लोग यहाँ आए तो हमने रात में दाल और रोटी ऑर्डर करी होटल से, क्योंकि सारे बर्तन जो होते हैं उनमें ना ऐसे धूल या फंगस टाइप का लग जाता है। यहाँ पे रेनी सीजन में अगर जाओ तो उसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पे फंगस लग जाता है। ये जैसे पता ही नहीं था, तो वो सब क्लीन करना है, जो चीजें खराब हैं वो सब फेंकनी है। इतने महीने बाद आने का सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है कि घर की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाती है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ करना तो है ही, तो करेंगे। और शायद व्लॉग आपको थोड़ा लेट मिले, थोड़े डिले मिले, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहूंगी सब में। पहले मैं एक बार सब कुछ सेटल कर लूँ, उसके बाद मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं सब कुछ। बाय बाय। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंडीशन, ये बैग है जो कल हम लोग लेकर आए हैं घर में, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा क्लीन है। फ्लोर तो क्लीन है बट सब कुछ ऐसे अभी बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और वेदू भी यहाँ बैठी है, ये भी कुछ अपना कर रही है। इसके टॉयज तक गंदे हो चुके हैं, सब कुछ धोने हैं, सब कुछ अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। तो चलो सब कुछ मेस्ड अप हो ही रखा है एज यू सी। और अभी किचन भी मैंने नहीं क्लीन करी है, वेदिका का सॉन्ग चल रहे हैं। और अभी मैंने बनाए हैं येलो राइस, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है और किचन सेटअप नहीं है तो कुछ और नहीं बना सकते। वेदू और मैं एंजॉय कर रहे हैं येलो राइस। सो ऐसा कुछ कुछ फंगस सा लग जाता है यहाँ पे, मतलब सारे में तो नहीं लगा, सिर्फ इन तीनों में लगा है। तो मुझे ये एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से धोने हैं गर्म पानी में, उसके बाद इसको यूज़ करना है, धूप में सुखाना है, तब जाके ये थोड़ा सा क्लीन होगा। और हाँ, ये पूरी किचन है जो गंदी पड़ी है, और अभी मैं कैबिनेट्स क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फाइनली सारी की सारी ड्रॉर्स क्लीन हो गई है, ये वाली भी एंड ये भी, सारी सब क्लीन हो गया अच्छे से। एक एक चीज़ अच्छे से साफ करी है, वो स्पॉट उस पर पड़ गया है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब ड्रॉर्स में ही मुझे 2-3 घंटे लग गए सबको अच्छे से क्लीन करना। को अच्छे से क्लीन करना है, मतलब पहले लिक्विड डिटर्जेंट जो है उसका एक बार स्कॉच ब्राइट से क्लीन करना, फिर उसके बाद नॉर्मल क्लोथ से पानी से क्लीन करना, फिर उसके बाद दोबारा एक बार और पानी से क्लीन करना एंड उसके बाद एक नॉर्मल ड्राई कपड़े से करना, क्योंकि अगर पानी छोड़ देंगे थोड़ा सा भी तो फिर से उस पर स्पॉट पड़ जाएंगे। सो चलो ये सब हो गया है, बट अभी भी सारा सामान बिखरा पड़ा है एज यू कैन सी, बिकॉज ये सब धोना है एंड धोने के बाद सुखाने के बाद इस सब में लगाना है। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। विद वन स्लॉट ऑफ यूटेंसिल्स, मतलब ये सारे बर्तन धो दिए हैं और अब इनको सबको यहाँ ड्रॉर्स में लगाने हैं, उसके बाद ये वाला स्लॉट धोना है पूरा। सब कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग करने के बाद अब आती है शाम के डिनर की पारी। तो बस उसमें मैं बना रही थी बैंगन की सब्जी, क्योंकि वही एक सब्जी है जो बहुत क्विकली बन जाएगी और उसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, पर मेरा चॉपर ही टूट गया ये प्याज को चॉप करते करते, बट ठीक है।
the next day. Hey guys, so next day हो चुका है और आज ज्यादा energetic लग रही हूँ. आज अच्छा भी feel कर रही हूँ क्योंकि कल पूरी की पूरी किचन का काम हो गया. बस आज करना है कबज, मतलब अभी तो लंच वगैरह भी सब कुछ हो गया है तो अब वेदिका सोई है. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कबज, क्योंकि कबज में भी जितने सारे कपड़े हैं वो सब निकाल के दोबारा से जो बैग में लेकर आया है वो सब सेट करने हैं. एंड मोर थिंग, हमारे जो नेबर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो मैं उनके लिए ना कुछ ऐसे सरप्राइज लेकर आई हूँ. ये आपने मेरे हाथ में भी देखे होंगे कड़े, मैं भी पहनती हूँ. एंड ये मैं भाभी के लिए कड़े लेकर आई हूँ. में राधा कृष्ण है और ये बहुत 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 क्यूटी हैं. और आई जस्ट होप, कड़ों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि साइज वाइज का रहता है, बट आई होप कि उनको पसंद आए और उनके हाथ में आ जाए. तो एक और दिन हो चुका है और मैंने ज्यादा कुछ नहीं शूट करा उस दिन सफाई वफाई वाला, क्योंकि चार दिन से सिर्फ सफाई ही कर रही थी, सब कुछ लगा हुआ ही था, सब कुछ फैल रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करा ज्यादा, क्योंकि वही चीज मैं बार बार क्या ही दिखाऊं. ये है वो जगह जहाँ पे सब कुछ आपने लास्ट क्लिप में देखा है जो मेस्टअप था, बट अब फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है हमारी कबज में. और अभी ना कुछ लाइट सा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, पर बाहर का बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ स्पेगेटी कुछ इंडियन स्टाइल, देसी स्टाइल में. बिल्कुल ऐसे आलियो पोलियो टाइप का पास्ता नहीं बनाने वाली, सिंपल वाली स्पेगेटी बनाएंगे. ये क्या है? ओके, सो मुझे आप लोगों को एक चीज और बतानी है इससे पहले कि आप बहुत सारे लोग पूछे या फिर सोचे कि ऐसा क्या है कि वंशिका सब कुछ खुद ही कर रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कोई हेल्प नहीं है या कोई हेल्पर नहीं है जिससे मैं करा सकूं. तो लेट मी टेल यू, मेरे पास एक हेल्पर था बट अब मैंने वो हेल्पर हटा दिया है क्योंकि आफ्टर कोविड हम लोग नहीं चाह रहे थे कि वेदिका के लिए कुछ भी अनसेफ हो. तो अब हम मतलब इतना बड़ा घर नहीं है और ना ही इतना ज्यादा काम होता है, तो आई मैनेज माई सेल्फ एवरीथिंग और इसीलिए मैं सब कुछ खुद से ही कर रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो में भी सब कुछ खुद से ही है. तो यस, ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी और अभी चलते हैं पास्ता बनाने. लेट्स गो. सो नूडल्स रेडी हैं, मैंने बस इसको बॉईल करा है और इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको ऐसे कर दिया ताकि ये चिपके नहीं. अब मेरे को, मैंने इस कंपनी की स्पेगेटी ली है एंड ये बॉयल कर ली है और चलो अब बनाते हैं, तैयारी करते हैं. ट्राईपॉड स्टैंड टूट गया है और मैं शूट नहीं कर पाई जब मैं इसमें सारी की सारी सॉसेस डाल रही थी, तो कुछ कुछ शूट कर दिया है, प्लीज मैनेज कर लेना, देख लेना. तो ये रही मेरी स्पेगेटी नूडल्स, देखते हैं खा के कैसे बने हैं. बस इतना ही पोर्शन खाते हैं हम लोग, मतलब पर पर्सन हम लोग इतना ही पोर्शन खाएंगे. तो गाइस, तो फाइनली इतने दिन सफाई वफाई करने के बाद आज संडे है और हम लोग सोच रहे हैं कहीं जाने की, ज्यादा कहीं नहीं बीच पे जाने की, क्योंकि बहुत दिन हो गए वेदिका भी घर से बाहर नहीं निकली है और मेरे पूरे फेस पे ऐसे ब्रेकआउट्स हो गए हैं धूल की वजह से. बहुत ज़्यादा ही दाने हो रहे हैं, पता नहीं सिर्फ धूल की वजह से हो रहा है आई नो. तो फाइनली सब कुछ साफ हो गया है, सारा घर सेट हो गया है, अब हम लोग आज संडे इन्जॉय कर. मिस्टर हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम मिला है तो चलो क्यों ना संडे इन्जॉय किया जाए. मैं अभी पहनने वाली हूँ दिस आउटफिट, ये मेरा एक ड्रेस है एंड वेदिका अभी सो रही है, जब उठेगी तो उसको भी रेडी करते हैं और चलो चलते हैं साथ में बीच पे. आई एम रेडी और वो ड्रेस मैंने टिच कर दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं वेदिका के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाती. सो आई स्विच टू दिस जीन्स एंड टॉप विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल. और अब बैग लगाना है बीच के लिए क्योंकि बहुत सारा सामान लेके जाना होता है. वेदिका साथ जा रही है तो उसकी ड्रेस, और मुझे पता है वो जाएगी तो वो डेफिनेटली नहाएगी ही नहाएगी. तो सबसे पहले ये कपड़े मेरे, फिर वेदिका के, उसके बाद दो डायपर वेदू के, वाइप्स वेरी इम्पोर्टेंट, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोम,
और ये हमारा फ्लेचर और बॉटल जो पानी के भी भरनी है। चलो वेदू तो उसका खाना भी साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है। मैं उसको कार में खिला दूंगी क्योंकि अगर लेट हो गए तो पार्किंग नहीं मिलेगी। ये भी रख लेते हैं। चलो 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 कम हियर। चलो ड्रामा ये मच्छर नहीं काटा वेदू को। टमाटर से लेकर आइए ब्लॉक्स हाथ में। प्लीज प्लीज अच्छा डांस करेंगे डांस करेंगे। ओ दादा दादा कहाँ है तू? दादा दादा कहाँ है? कियांशु कियांशु कहाँ है? ऑफिस गया है कियांशु? ऑफिस गया है कियांशु? कैसा है? वाह जूस वो भी विदाउट शुगर है ना? कैसा है वेदू?